ओके यहाँ क्या चल रहा है? हाय मैं मटर बना ए जी माशाल्लाह डॉक्टर रूबा जी साडे को होस्ट ने ओथे तुसी देखिया माशाल्लाह ठीक है नक ते मखे नहीं बहन देंदे अथे असि इनां को मटर भी कढवा रहे हैं चेक करो मैं आई थी आलू भी छिलेने इनां ने मैं कहया अज आए ने का क्योंकि कार दे विच जेड़ा ना लड़की जरूरी है फेर ही हांडी रोटी अच्छी बन सकदी मेहमान इन दिन बनवा लसन बनवा पूरा टबर खिजिया हर चीज हाथ मार रहे मतलब जान का ना लेना मेहमान एक दो दिन होंगे छिलके बकरी टायर हो गए खुशबू ऐसी आ रही है मानना जेड़ी बचपन च नहीं सी आंदी हुंदी मटरां च खुशबू वो आ रही है मटर की खुशबू आ रही है और बब्बू हमारे यहाँ पे जो है कपड़े धोने पे लगे बब्बू साहब को उधर उधर दिखा के बब्बू की सक्सेस देखें बाज कितना कुछ टाइड उधर क्या क्या लेकर आए और वॉशिंग मशीन लगी है ये हमारे बबन मियां वॉशिंग मशीन लगाते हुए वॉशिंग एरिया में खड़ा हुआ है किचन है सारा काम हो रहा है ये हमारे साजिद भाई साथ साथ जी नहीं याद क्या रखेंगे डॉक्टर साहब देखेंगे ये दिन होते हैं एडवेंचर एडवेंचर यस ये तो नहीं भूल सकते हम दिस इज योर एडवेंचर हम इस जगह पे बैठे हम कनाडा में आके इतने प्यारे से डाउनटाउन के बीच में बैठ के तो मटर छील रहे और आलू काट रहे हैं दिखाएं जी जरा डाउनटाउन भी दिखाएं इसमें हम आके कितने डाउन हो गए चले जाए बाहर ऐसे बने वो कट भी जाओ काफी पड़े डॉक्टर साहब डंगरा ने खाने ने अच्छा मुझे लगा आलू छोरे वाला उसका आलू गोश्त वाला इसका फिर और छोटा करना पाइनएटा शायद बड़ा है इसका छोटा करना चार चार बड़े आएगा हां बस ठीक है डेड आ गए जनाब मां चलने क्यों नहीं बोला जाए जाके मशीन चलाएं आप काम पे लगे ये मशीन चलाएं चलें हाँ देखें जी सारे काम इधर इतनी आसानी है ये देखें सर कोई कचरा बाहर नहीं आ रहा ये देखें डॉक्टर साहब जरा गार्निश करके दिखाएं गार्निश नहीं करते इसको पील कर रहे हैं हाँ पील करके दिखाएं ये देखें अच्छा ये इस तरह की चीजें दिखा कर मुझे मेरे से काम कराई जा रहा है पुन्नू कोई बात नहीं बेटे मैं तेन सुनना नहीं देखेंगे ही वो चीजें सीख ले कुछ ओ भाई कुछ तो सीख ले खुदा का नाम है अभी तो आपसे लसन छिलवाना आपके नाखून अच्छे हैं वो एक मिनट में चीला जी नहीं मेरे नाखूनों में से बू आएगी पुन्नू अरे बू आएगी तो गाजर ना बड़ा चार्ली परफ्यूम लग रहा है पुन्नू परफ्यूम में लगाया था चार्ली हाँ कौन सा लगाना है इधर जॉनसन लिया मैंने कौन सा परफ्यूम इधर का सबसे अच्छा परफ्यूम रमान भाई जो आपने मुझे गिफ्ट किया था वो कौन सा था उसको आप छोड़े आपने क्या कर रहा है परफ्यूम लगा ले परफ्यूम से नहीं होता कुछ नहीं होता इधर आपको पता है इतना साफ सुथरा पानी है आपने खाली पानी से हाथ धोने सारी स्मेल गायब हो जानी मतलब ये देख लें आप देखें पहले समय से आलू छिलवाए पिछले समय कटवाए फिर मटर अब गाजरें
पर पता मेरी की मत बजी मैं दाणी उधर छोड़ दे छिल्लर इधर छोड़ ले कैसा है और करे क्या हुंदा जे बड़े कोकड़ा बह के हांडी बना हुंदा और पता तुसी स्लैब लैटी है दी स्लैब लैटी बड़ा आराम है पर मैं वो तो नहीं ना करती मैं कुक शुक नहीं हूं लेकिन चलो कुछ नहीं हम कैनेडा में आके और कुछ सीखे ना सीखे खाना बनाना सीख ही जाएंगे नहीं नहीं आपको पहले ही आता डॉक्टर साहब मैंने तकरीबन तो मुझे 5 साल से 5 साल से मैं टीवी पे काम कर रहा हूं अच्छा तकरीबन काफी को होस्ट से शाम दो रही है बिल्कुल ये अच्छी पोस्ट मिली है तो आप एक तो होस्ट भी और दूसरा आप होस्ट भी हैं दो तीन हमारे शो की बड़े शो की भी आप होस्ट हैं जैसे ओपन माइक कैफे आपने रंग पंजाब को भी होस्ट किया है और मेल बॉक्स को भी आप होस्ट करती हैं अच्छा। तो ये चीजें भी आनी चाहिए आपको ये सारा कुछ साथ साथ होता है जिंदगी में कितनी गाजर होगी अब इसको छोड़ दें अब ये छुरी के साथ इसको ऐसे करके काटे पीसेस खुद ही खाए पीसेस करें ठीक टकराओ मजे क्या तो बदम काम खाने पकाने वाली नहीं थोड़ा खा जाते हैं नहीं नहीं अभी खा जाते हैं आलू मटर गाजरा बनानी है कनाडा की आलू मटर गाजरा लेकिन पुन्नो इसका छिटे आ रहे हैं ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਕਹੋ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਗਲਾਸ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮਾਲਟਾ ਪਾਣਾ ਚੁਕੰਦਰ ਪਾਣੀ ਗਾਜਰ ਪਾਣੀ ਅਦਰਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਿੱਲਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਦੋ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਓ ਕਿ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੌਣ ਲੈਣੇ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਾ ਫੇਰ ਖਾ ਲਿਆ ਖਾਣਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ देख लो हम कनाडा आके सीख के जाएंगे कि हम आलू मटर गाजर कैसे बनाते हैं दूसरे ना बोल दी उसे सब जी जी ये देखिए हमारी फाइनल लुक आ गई है वेजिटेबल्स रेडी हैं जी अब ये मटर गाजर आलू ये रेडी हैं और वो मसाला जो है ना वहां पे हमारे शेफ बाबू भाई मैं आ गया अंदर क्या है ये मसाला भून रहे हैं राणा साहब और इसके बाद हम जो है ना इसको उसके अंदर डालेंगे सारा सामान और समंदर रोटियां नाल और अब है खाना अपने आखिरी मराहल पे और पुन्नू इतने कोई कार आमद ये क्या बना रहे हैं भाई ये परांठे बना रहे हैं परांठे बना रहे हैं और उसके ये देखें ये आपने उतारना है अच्छा उसके जी उसके बाद आपने ये उतार के और ये इसमें ऑयल इसके अंदर लगा हुआ है अच्छा ठीक है आपने इसको वही एक मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाता है तो पुन्नू जब आपके वो वाले स्ट्रगल डेज होते थे जब आपको हर जगह पे दालें मिलती थी तो वो आप रेडीमेड लेते थे या ऐसे ही खुद बनाया करते थे आटा ले आके गुन्नी दा सी राणा साहब दे मैं तेना री हद तो हुंदा सी क्योंकि आटा उन्होंने नहीं गुनना हुंदा सी ते मैं फिर वो चकने बेलने ते करके ते तो अब आपको वही वाले जमाने याद आ रहे हैं या उससे बेहतर हैं ये माशाल्लाह अच्छा वो भी जरूरी था डॉक्टर साहब अगर वो टाइम ना ना गुजारते तो यहाँ तक कभी यहाँ कहाँ एग्जैक्टली ये देखिए अब आपने ये क्लोज लेना है अगर आपके पास चिमटा नहीं है तो आप इसको ऐसे अरे आप तो इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं माशाल्लाह 9 दिन तो मैं ही पका रहे हैं एक्सपर्ट भी होना अच्छा कुछ मैंने रोटियां बना ली हैं ये देखें तकरीबन 4-5 रोटियां हां तो रोटी भी इधर ऐसे ही होती है और नहीं आज मुझे मुख्तलिफ रोटी लग रही है ये वो आपके वो पीटर रैप्स नहीं लग रहे नहीं नहीं वो नहीं है वो हमने पहले दिन खाई है वो ना मीठी थी वो रैप होते हैं रैप जो मैं करता हूँ नहीं ये वो नहीं है पहले भी आप पूछ चुके हैं ये देखिए कितनी अच्छी पैकिंग है ना लग कितने प्यारे नहीं है ऊपर से फिर आप इसी तरह बटर डाल के खाएंगे बटर डालेंगे हम ये देखिए बटर भी दिखाता हूँ आपको ये देखिए फ्रिज अच्छा जी फ्रिज थैंक यू दिखाइए जी फ्रिज अरे आपने बड़ी रौनक लगाई हुई है हर चीज अल्लाह की रहमत वाह कुदरत खुदा की ये देखिए कैसे फूल रही है आहा अरे साइड चेंज देख ऐसे एक्सपर्ट पुन्नू
सालन आपका तैयार हो गया फाइनली? सालन हमारा तैयार हो गया, वो जा चुका है। अभी मैं जा रहा हूँ उधर। किधर? ड्राइंग टेबल पे। कौन सी टेबल पे? डाइंग टेबल पे। कौन सी टेबल? वो कुछ नहीं यार, बस उठे दादा। अल्लाह अल्लाह, पहले ड्राइंग आई है फिर डाइंग आई है, अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह रहम करे। ये देखें जी, माशाल्लाह पुन्नू ने खाना लगाया है स्पेशली, और मैं चाहती हूँ मुंह दिखाई भी इसकी आप ही करें। ये देखें जी माशाल्लाह, जरा पूरा क्लोज आ रहा है। ये इस वक्त जो है ना बाबर फतेह अली खान साहब ने कर्मों के छट्टे किए हैं। ये मक्खन के अंदर बना है जी, मक्खन के अंदर, उसके अंदर से खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। जाहिर है मक्खन की खुशबू ही होती है, और की होना। वो खाली मक्खन नहीं, मसालियां दी भी गाल कर रही हैं। और वो देखिए जी, एज ऑलवेज पड़े हैं जी। राणा साहब आ जाएं। हेलो, ओपन द रेडी, ओपन द रेडी, अपनी अपनी चेयर संभाल लें, अब वक्त हुआ है खाने का, चलते हैं खाने की तरफ। और ये है हमारे मास्टर शेफ आज के। खाना नोशन मेरे पास, मेरी पानी बोतल है। फोर पर्सन? या फोर पर्सन। अच्छा जी, ये है मेरी प्लेट, मैं फिर भी फ्रेश बनाने की जगह बेसाख्ता दो नवाले ले बैठी हूँ। ये है मास्टर शेफ वंस अगेन, और हम खाने की टेबल पे बैठ चुके हैं दही और परौंठों के साथ। प्रपुन्नू स्पेशल, सुभान अल्लाह। आहा, मैं कहती हूँ इससे अच्छा सुगड़ होस्ट मुझे आज तक कोई नहीं मिला। ये क्या कमाल की चाय बना कर लाया है। पुन्नू सलामत रहे, जीते रहे, खुश रहे, अल्लाह आपको आपके खाने में बरकत डाले, आपके काम में और निखार निखार संवार लेकर आए, खुश रहिए। मैं कहती हूँ हम मजे से बैठे हुए हैं लेटे में, और यहाँ पर और पुन्नू जितने हमारी सेवा कर रहा है, पुन्नू सलामत रहिए, खुश रहिए।